बच्चे को काटने के बाद आखिर कोबरा सांप कैसे तड़प तड़प कर मर गया, ब्लड सैंपल से होगा खुलासा। बुधवार की शाम 4 साल के बच्चे को सांप ने काट लिया था, जिससे सांप की ही मौत हो गई। हम आपको बता दें कि बिहार के गोपालगंज में 4 साल के बच्चे को एक सांप ने काट लिया। सांप के काटने के बाद खुद सांप की ही मौत हो गई। जी हाँ, सोशल मीडिया पर कई तरह के चर्चाएं हुई, लोग अंधविश्वास जैसी बातें करने लगे। कोई ईश्वर का शक्ति तो कोई कुछ मान रहा है। इस बात की पुष्टि होगी आखिर बच्चे को काटने के बाद सांप की मौत कैसे हो गई। बच्चे का ब्लड सैंपल लिया गया है और जांच कराई जा रही है, अभी रिपोर्ट नहीं आई है। ब्लड सैंपल्स की रिपोर्ट आने के बाद खुलासा हो सकता है। इधर सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सनाउल मुस्तफा का कहना है कि जिस 4 साल के बच्चे को काटने के बाद कोबरा सांप की मौत हुई है, वह सांप बेहद खतरनाक और जहरीला था। कोबरा सांप किसी को भी काट ले तो बिना इलाज कराए मरीज का बचना मुश्किल है। सिर्फ एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन ही है जो विषैले सांप की जहर को मारने की क्षमता रखता है। बच्चे को जब सांप ने काटा तो परिजन उसे सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लेकर पहुंचे। यहां इलाज शुरू किया गया और बच्चे की जान भी बची। बता दें कि बरौली थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव निवासी रोहित कुमार के 4 साल का पुत्र अनुज कुमार अपने मामा के घर कुचायकोट थाना क्षेत्र सासा मुसा खुजरी टोला में आया था। यहां इसी सप्ताह बुधवार की शाम दरवाजे के सामने बच्चों के साथ अनुज भी खेल रहा था। खेलने के दौरान खेत की तरफ से आए एक कोबरा सांप ने बच्चे के पैर में काट लिया। इसके बाद सांप की चंद मिनटों में ही मौत हो गई। जी हां, इसके बाद बच्चे और सांप दोनों को लेकर परिजन सदर अस्पताल में पहुंचे थे। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल देसी न्यूज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।